हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएसपीसीएल एलडीसी जेई 2019 के लिए मॉक सेप्टेम्बर 9.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस जीके के जनरल नॉलेज के। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 24 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। ये सीरीज़ का 25th पार्ट है, यानी कि हमने पार्ट तो टोटल 8.3 पार्ट किए हैं, बट एक पार्ट में तीन तीन सब वीडियो थी, यानी कि टोटल वीडियोस हो गई 24। ये सीरीज़ का 25th वीडियो है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सारी वीडियोस के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, सो वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इस सीरीज़ में आपको ईच क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय मिलता है। इन 5 सेकंड में पहले आपने क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करना होता है, उसके बाद जो उसका राइट आंसर होता है वो मैं बताता हूँ। ऐसा करने से आपकी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी। इस सीरीज़ का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसका कारण है पीएसपीसीएल एग्ज़ाम 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था एलडीसी और जेई का, उस एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। उसी अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है ताकि आपको कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े 2019 के एग्ज़ाम में। अब आपका काम है इस लाइव सेशन को सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। बीच में 2 दिन मैं वीडियो नहीं ले पाया था, बट अब ये सीरीज़ डेली कंटिन्यू होगी। रात को 9 बजे आप डेली से लाइव देख सकते हो। इस लाइव सेशन में 40 से 50 स्टूडेंट डेली लाइव आते हैं, बट मैं चाहता हूँ हम 100 क्रॉस करें। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करोगे। मैं ये मान के चलता हूँ जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो को ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी ने एक एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दिया है। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, इसका नाम होता है क्वेश्चन फॉर यू। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बिलोंग्स टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी से कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है, रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी से कौन सा आर्टिकल। ये आर्टिकल है आर्टिकल 51A। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी ऑप्शन, आर्टिकल 51A बिलोंग करता है फंडामेंटल ड्यूटी से। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, सो याद रखिए। काफ़ी स्टूडेंट बता रहे थे आर्टिकल 51 इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 51A। उसके बाद जो लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको गलत बताई थी, जो थी वुमेंस ओपन की। ये मैंने आपको बताया था यूएस ओपन का मैंने आपको विनर बताया था, मेंस विनर तो सही बताया था रफाल नडाल, बट उसके बाद मैंने आपको बताया था वुमेंस विनर बताया था डैनियल मेडवेदेव। इसके जो विनर है वुमेंस विनर, उनका नाम है बियांका एंड्रेस्कू हैं इसके वुमेंस विनर, बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था डैनियल मेडवेदेव। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये कोई वुमेन नहीं है, ये मैन है। मैं आपको बताना चाहता था कि जो मेंस विनर है वो तो है रफाल नडाल ने किसको हराया है, मैंने आपको बताना था, यानी कि रनर्स बताना था जो हैं डैनियल मेडवेदेव, ये रनर्स अप रहे हैं, यानी कि जो विनर तो हैं वो तो हैं रफाल नडाल। इन्होंने किसको हराया है फाइनल में, इन्होंने हराया है डैनियल मेडवेदेव को। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये करवाना चाहता था, बट मैं गलती से वहाँ पर टाइप कर दिया, गलती से वुमेंस विनर के प्लेस पर कर दिया टाइप डैनियल मेडवेदेव। इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हैं वुमेंस विनर यूएस ओपन की, और जो मेंस विनर हैं यूएस ओपन के उनका नाम है रफाल नडाल, और जो रफाल नडाल हैं इन्होंने फाइनल में किसको हराया है, इन्होंने हराया है डैनियल मेडवेदेव। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिए। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट बी अ पार्टिसिपेटिंग एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट। अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसको कितने साल की सेवा होनी चाहिए उनकी, जो होनी चाहिए एडवोकेट, एज अ एडवोकेट कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका। एडवोकेट को पंजाबी में बोलते हैं वकील, यानी कि वकील की कितने साल की सेवा होनी चाहिए। ये आपके ऑप्शन है 5 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल। आपके ये 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, आपका समय स्टार्ट है अब, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 सालों का, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन 10 इयर्स। 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट, यानी कि वकील होने का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट, तो वो बन सकते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट। यही क्वेश्चन घुमा के एक और तरफ से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन अ जुडिशियल ऑफिस, यानी कि जुडिशियल ऑफिस में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। उसका आंसर भी होगा 10 साल। दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो वकील हो चाहे वो जुडिशियल ऑफिस हो। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, 10 साल। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा मधुबनी। मधुबनी एक टाइप की पेंटिंग है जिसका नाम है फोक पेंटिंग। ये किस स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, पॉपुलर पेंटिंग है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। मधुबनी पेंटिंग जो है काफ़ी पॉपुलर पेंटिंग है बिहार की, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है मधुबनी का पेंटिंग का क्वेश्चन काफ़ी बार पंजाब के एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए बिहार की ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर इन यूएनओ, यूएनओ के कितने ऑर्गन्स हैं, यानी कि यूएनओ के कितने अंग हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। यूएन के टोटल कितने ऑर्गन्स हैं? यूएन के टोटल ऑर्गन्स हैं 6, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। कौन कौन से हैं जो ये 6 यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं, इनका नाम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। एक तो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सेकंड है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट ये एक अंग है। उसके बाद थर्ड अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फोर्थ है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद लास्ट है यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA, अगर हम इन शॉर्ट बताएं आपको, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एंड सोशल काउंसिल, लास्ट है यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ लैकाडाइव, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड्स वाज चेंज्ड टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन। तीन आइलैंड्स के नाम दिए हुए हैं, लैकाडाइव, मिनिकॉय और अमिनदीवी। इनका नाम चेंज किया गया है, यानी कि इन तीनों को लक्षद्वीप आइलैंड में कन्वर्ट किया गया है। ये कौन सी पार्लियामेंट की जो एक्ट था जिसमें चेंज किया गया था, कौन सा एक्ट था ये पार्लियामेंट का? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 1973, 1971, 1972 और 1974। आपका समय स्टार्ट है अब। ये कौन सा एक्ट था पार्लियामेंट का? ये पार्लियामेंट का एक्ट था 1973 का, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, 1973 का एक्ट था जिसमें चेंज किया गया था, जो लैकाडाइव, मिनिकॉय और अमिनदीवी इनको चेंज किया गया था एज अ लक्षद्वीप आइलैंड, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, 1973। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया कितना है, लक्षद्वीप आइलैंड का जो एरिया है वो है 32.6 किलोमीटर, यानी कि आपको ऑप्शन गिवन था 32 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर एरिया है जो लक्षद्वीप आइलैंड का है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर 2018 में। आज का जो मॉक टेस्ट है इसका थोड़ा सा ज़्यादा लेवल है, अगर इनमें से 20 में से आप क्वेश्चन 10 अटैम्प्ट सही कर लेते हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, क्योंकि आज के मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, SSC के लेवल से भी थोड़ा सा अप है।
इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20 में से 10 अटैम्प्ट सही कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लोड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट थी जिसमें जो वोटिंग राइट था वो एज कम की गई थी, 21 साल से 18 साल की गई थी। आपके ऑप्शन है 60th, 61st, 62nd और 64th। कौन सी अमेंडमेंट थी ये, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट था है अब। ऐसी कौन सी अमेंडमेंट थी जिसमें हमने जो 21 साल एज थी पहले अब कर दी थी 18 साल वोटिंग राइट के लिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट थी, 61st अमेंडमेंट, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, 61st अमेंडमेंट थी, 61वीं अमेंडमेंट थी जिसमें हमने 21 साल से कम करके 18 साल कर दी थी वोटिंग राइट के लिए। अगर मैं आपको बताऊं ये किस ईयर में की गई थी, जो ये 61st अमेंडमेंट की थी, ये की थी 1988 में, ये भी आपने याद रखना है, 1988 में की थी जो ये अमेंडमेंट की थी, 21 से लेकर 18 साल तक कर दी थी जो वोटिंग राइट की एज थी, ये भी आपने याद रखना है, 61st अमेंडमेंट इन 1988, 1988। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, ये तो काफ़ी बारी रिपीट हो चुका है, बिल्कुल याद रखिए आप। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन्हें सभी ने ये क्वेश्चन तो सही अटैम्प्ट किया होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सही नहीं किया तो आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, हु वाज अकबर्स गार्डियन, अकबर का गार्डियन कौन था। आपके ऑप्शन है बैरम खान, तानसेन, अबुल फजल और आमिर खुसरो। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। अकबर का गार्डियन कौन था, अकबर के गार्डियन का नाम है बैरम खान, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन, बैरम खान था अकबर का गार्डियन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए, अकबर का गार्डियन कौन था, बैरम खान, बैरम खान था अकबर का गार्डियन। गार्डियन को हिंदी में बोलते हैं अभिरक्षक, अभिरक्षक था बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। रेलवे सिस्टम जो है इंडिया का कब एस्टैब्लिश हुआ था। आपके ऑप्शन है 10 अप्रैल 1851, 16 अप्रैल 1853, 11 जून 1854, 16 जुलाई 1753। आपके ऑप्शन है ये चार, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। इनमें से किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था रेलवे सिस्टम जो इंडिया में हुआ था। रेलवे सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में 16 अप्रैल 1853 को, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, 16 अप्रैल 1853 में एस्टैब्लिश हुआ था रेलवे सिस्टम था जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। अगर पूछा जाए फादर ऑफ रेलवेज किसे कहा जाता है इंडिया में, इंडिया में फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अगर इंडिया वर्ड मेंशन ना हो तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन ने एस्टैब्लिश किया था रेलवे को, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ रेलवे। अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है, उसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगर इंडिया वर्ड मेंशन ना हो तो हमारा आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, सो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैजिक सीड्स, मैजिक सीड्स किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है वी एस नायपोल, विक्रम सेठ, झुंपा लाहिरी, लास्ट ऑप्शन है साइरस मिस्ट्री। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। मैजिक सीड्स बुक किसकी रचना है, मैजिक सीड्स बुक रचना है वी एस नायपोल की, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन, वी एस नायपोल की रचना है मैजिक सीड्स। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, कोई बात नहीं अगर नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बिल्कुल आएगी ये एग्जाम में। ये CDS के एग्जाम में 3 बारी आ चुकी है, CDS के एग्जाम में 3 बारी आ चुकी है प्रीवियस एग्जाम में, उसके बाद SSC CGL के एग्जाम में भी 2-3 बार आ चुकी है ये बुक, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। मैजिक सीड्स बुक लिखी है VS नायपोल ने। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज द ओल्डेस्ट।
ओल्डेस्ट मोनूमेंट्स कौन है इंडिया में? आपके ऑप्शन है अजंता केव्स, खजुराहो, ताजमहल और कुतुब मीनार। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा मोनूमेंट है जो ओल्डेस्ट मोनूमेंट है इंडिया का? आपका समय स्टार्ट है अब। इंडिया में जो ओल्डेस्ट मोनूमेंट है वो है अजंता केव्स, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन, अजंता केव्स इज द ओल्डेस्ट मोनूमेंट ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए अजंता केव्स कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि किस स्टेट में लोकेटेड है, उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकेटेड है अजंता केव्स, ये भी आपने याद रखना है। महाराष्ट्र में लोकेटेड है अजंता केव्स, ये हैं ओल्डेस्ट मोनूमेंट ऑफ इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया इज़ अ रिनाउंड प्लेयर ऑफ। जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये कौन सा जो तबला बजाते थे या फ्लूट बजाते थे, कौन सा ऐसा वादक था जो ये बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया? आपके ऑप्शन है तबला, फ्लूट, शनाई, उसके बाद लास्ट है सारद। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। हरिप्रसाद चौरसिया जो प्लेयर थे वो थे फ्लूट के, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, फ्लूट बजाते थे जो हरिप्रसाद चौरसिया थे, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, फ्लूट। हरिप्रसाद चौरसिया को दो अवार्ड मिल चुके हैं, एक तो है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण। दोनों अवार्ड मिल चुके हैं हरिप्रसाद चौरसिया को, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। एक बार ही पूछा गया था कौन सी फ्लूट बजाते हैं जो ये हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं, उसका आंसर था क्लासिकल फ्लूट। क्लासिकल फ्लूट बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ये SSC का क्वेश्चन है, CHSL का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये कौन सी फ्लूट बजाते हैं, उसका आंसर था क्लासिकल फ्लूट। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बस याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बारी SSC के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एस एथलीट नीरज चोपड़ा इज एन अकम्पलिश्ड प्लेयर इन। जो नीरज चोपड़ा हैं बहुत फेमस प्लेयर हैं, आप सभी को पता होगा, ये कौन से प्लेयर हैं, यानी कि किस चीज़ के प्लेयर हैं? आपके ऑप्शन है हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और लास्ट है शॉर्ट पुट थ्रो। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, नीरज चोपड़ा इसमें से कौन सा गोला छीटते हैं? आपका समय स्टार्ट है अब। नीरज चोपड़ा प्लेयर हैं जैवलिन थ्रोअर के, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, जैवलिन थ्रोअर के प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए, नीरज चोपड़ा प्लेयर हैं जैवलिन थ्रोअर, ये एक जैवलिन थ्रोअर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर 2018 में पेपर हुआ था, उसमें एक पर्सन का नाम देकर, यानी कि एक प्लेयर का नाम देकर पूछा गया था ये किस चीज़ के प्लेयर हैं, इसलिए आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे अपने एग्जाम में, इसलिए मैं जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ आप उन्हें नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीरज चोपड़ा जो प्लेयर हैं वो हैं जैवलिन थ्रोअर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। ये क्वेश्चन है CDS का क्वेश्चन है, जो 2018 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था CDS का क्वेश्चन, जो UPSC कंडक्ट करवाती है, इसलिए ही मैं बार बार कहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, वो CDS, उसके बाद CGL, इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। एक दो क्वेश्चन तो UPSC IAS का भी इंक्लूड किया जाता है इस वीडियो में, IAS का भी एक दो क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है इस वीडियो में, इसलिए ही मैं कहता हूँ आपको, अगर 20 में से आप क्वेश्चन 10 भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ अटैम्प्ट कर रहे हो, यानी कि आप क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं यहाँ से आपको, आपके लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से विजुअल हो। देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट हरिद्वार कुंभ मेला इन 1915। 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेला स्टार्ट किया गया था, कौन सी सभा थी जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये स्टार्ट करवाया था? आपके ऑप्शन है हिंदू महासभा, ब्राह्मण सभा, उसके बाद सनातन धर्म सभा, लास्ट है देव समाज। बिल्कुल अटैम्प्ट करना है आपको, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, आपने अटैम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है,
क्या आंसर आएगा आपका, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है वो स्टार्ट करवाया था? इसको स्टार्ट करवाया था हिंदू महासभा ने, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन, हिंदू महासभा ने स्टार्ट करवाया था जो कुंभ मेला लगता है वहाँ पर हरिद्वार में। हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है ये कौन सी सभा ने स्टार्ट करवाया था? हिंदू महासभा में 1915 में किया था। ये भी आपने याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कुंभ मेला स्टार्टेड इन विच ईयर, उसका आंसर होगा 1915। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन, द टैग लाइन इन वैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इज एसोसिएटेड विद द लोगो फॉर, एक जो टैग लाइन है जिसका नाम है इन वैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ क्रेडिबल इनक्रेडिबल इंडिया, ये किसका लोगो है? आपसे पूछा गया है ये किसका लोगो है। आपके ऑप्शन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और लास्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जल्दी से अटैम्प्ट करना है आपको। आपके लिए थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन भी विजिबल हो और ऑप्शन भी विजिबल हो। आपका समय स्टार्ट है अब, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, क्या आंसर आएगा आपका? इसका जो राइट आंसर है वो है जीआई टैग ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ इंडिया। हमारा राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ इंडिया, जो ये टैग लाइन है इन वैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये एक तरह का लोगो है, यानी कि चाहे पूछा जाए टैग लाइन चाहे बोला जाए लोगो, बात एक ही है, ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया की। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी है सीडीएस का, सीडीएस का क्वेश्चन है ये, 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्योंकि जो मैंने देखा है काफ़ी बार जो पीएसपीसीएल एग्ज़ाम के हैं इसके आपको कभी भी सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। जैसे लास्ट ईयर सभी को पता है माउस क्या होता है, बट उन्होंने पूछ लिया माउस के इन्वेंटर का नाम बताइए, यानी कि माउस को किसने डिस्कवर किया था, उन्होंने पूछ लिया ये क्वेश्चन, ये किसी को नहीं आता था। इसलिए पीएसपीसीएल इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जो बिल्कुल लोगों के अंदाजे से परे होते हैं, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बस याद रखिए आप ये लोगो है या फिर टैग लाइन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ इंडिया की, ये जो वही ऑर्गेनाइजेशन है जो टैग देती है, यानी कि आपने काफ़ी बार ही सुना होगा न्यूज़ में रहते हैं जीआई टैग, ये वही ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो जीआई टैग देती है इंडिया के वेरियस प्रोडक्ट को, ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु टुक ओवर द इका मूवमेंट स्टार्टेड बाय द कांग्रेस इन अवध ड्यूरिंग 1921-22, जो यहाँ पर चार्ज मिला था जब एका मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 1921-22 में, उस टाइम किसके अधीन था जो कांग्रेस का सेशन था? आपके ऑप्शन है मदारी पासी, भगवान आहिर, बाबा रामचंद्र, और लास्ट ऑप्शन है शाह नईम अता। जल्दी से अटैम्प्ट करना है, आपका समय स्टार्ट है अब। जो एक्का मूवमेंट है इसको स्टार्ट किया था मदारी पासी ने, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, मदारी पासी ने स्टार्ट किया था क्या 1921-22 में, ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है एक्का मूवमेंट को स्टार्ट किया था मदारी पासी ने, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, टी ग्रोइंग इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज मेड पॉसिबल बाय, जो टी ग्रोइंग इंडिया में पॉसिबल हो हुई थी 19वीं सेंचुरी में, ये किसने पॉसिबल करवाई थी, यानी कि इसका क्रेडिट किसे जाता है? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट फॉर्च्यून, और बी ऑप्शन है जोसेफ बैंक्स, थर्ड ऑप्शन है जेम्स कुक, और लास्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ऑन। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। टी ग्रोइंग इंडिया में 19वीं सेंचुरी में पॉसिबल हुई थी ऑन द बेस्ड ऑफ रॉबर्ट फॉर्च्यून, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, रॉबर्ट फॉर्च्यून की वजह से पॉसिबल हुई थी इंडिया में जो टी की खेती थी, यानी कि चाय की खेती पॉसिबल हुई थी 19वीं सेंचुरी में पॉसिबल हुई थी। कौन से पर्सन थे जिन्होंने ये पॉसिबल करवाई थी, उनका नाम है रॉबर्ट फॉर्च्यून।
रॉबर्ट फॉर्च्यून की वजह से इंडिया में जो टी ग्रोइंग की खेती थी वो स्टार्ट हुई थी 19वीं सेंचुरी में। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। इंडिया में जो खेती स्टार्ट हुई थी, करवाई थी, वो करवाई थी रॉबर्ट फॉर्च्यून ने, रॉबर्ट फॉर्च्यून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड द आज़ाद हिंद रेडियो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो को स्टार्ट किया था किस कंट्री में स्टार्ट किया था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो को। आपके ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और मलेशिया। जल्दी से अटैम्प्ट करना है, आपका समय स्टार्टता है अब। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो को स्टार्ट किया था जर्मनी में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, जर्मनी में स्टार्ट किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आज़ाद हिंद रेडियो था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बारी PCS के एग्ज़ाम में आ चुका है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, PPSC ने 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। आई थिंक लास्ट ईयर जो PPSC ने पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मेरे को याद नहीं है, यही क्वेश्चन था, आई थिंक यही क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा था सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आज़ाद हिंद रेडियो था वो कहाँ पर स्टार्ट करवाया था, कौन सी कंट्री थी, उसका आंसर भी था जर्मनी, जर्मनी में स्टार्ट करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की, कैग आपको पता है एक पोस्ट होती है जो सारे अकाउंट्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें ऑडिट करता है कैग। ये जो एक रिपोर्ट बनाता है ये किसको सबमिट करता है, आपके ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, द वाइस प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। जल्दी से अटैम्प्ट करना है, ये सभी का आंसर आना चाहिए, सभी को ये आता होगा, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जो कैग की रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट, वो सबमिट करता है जो कैग होता है, ये सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है जो कैग के पास रिपोर्ट होती है, एक ऑडिट रिपोर्ट ये सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को जो इंडिया की स्टेट का हेड होता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, द प्रेसिडेंट। आप मुझे कमेंट में लिख के ये बताइए जो प्रेजेंट में कैग हैं यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं उनका क्या नाम है जो प्रेजेंट टाइम में है, आपने ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ही बताना है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, 18th नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस प्लानिंग कमेटी सेट अप इन अप्रैल 2018। 2018 में जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी उसके चेयरमैन कौन थे, आपके ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द डिफेंस मिनिस्टर और द लास्ट ऑप्शन है आपका द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल्दी से अटैम्प्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, आपका समय स्टार्टता है अब। जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी होती है इसके जो चेयरमैन होते हैं उनका नाम है अजीत डोवल। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं ये चेयरमैन होते हैं डिफेंस प्लानिंग कमेटी के। अगर पूछा जाए जो प्रेजेंट टाइम में NSA हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अजीत डोवल। अजीत डोवल हैं प्रेजेंट टाइम में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, प्रेजेंट NSA कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, उनका नाम है अजीत डोवल, अजीत डोवल, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, 2-3 बारी एग्ज़ाम में आ चुका है, CDS में आया था सबसे पहले, उसके बाद आया था SSC में, SSC का जो CGL का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया 2019 में उसमें आया ये क्वेश्चन, उसके बाद आगे भी आने के चांसेस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होके मार्क करते हैं डी ऑप्शन, द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसका आंसर ये नहीं होगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है आपको डिफेंस मिनिस्टर, इसका आंसर डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है बी ऑप्शन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसका आंसर ये होगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये एक डिफेंस प्लानिंग कमेटी है, अगर पूछा जाए डिफेंस प्लानिंग काउंसिल, जो एक है डिफेंस प्लानिंग कमेटी, एक है
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? उसके चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन। और पूछा जाए डिफेंस प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, उसका आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दोनों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज करके बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर तो पूछा जाए डिफेंस प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम बताइए, उसका तो आंसर होगा NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अगर पूछा जाए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन कौन है, उसका आंसर होगा डिफेंस मिनिस्टर। जो प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन है प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, दोनों के दोनों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों के दोनों याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध इन द 18th सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी में जो फर्स्ट नवाब वजीर थे वो कौन थे अवध के? आपके ऑप्शन है नवाब सादत अली खान, नवाब सफदरजंग, सी ऑप्शन है नवाब शुदा उद्दौला, उसके लास्ट ऑप्शन है नवाब सादत खान। जल्दी से अटैम्प्ट करना है, आपका समय स्टार्ट है अब। फर्स्ट नवाब वजीर हैं अवध के, उनका नाम है नवाब सादत अली खान, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नवाब सादत अली खान, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बारी रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। 18वीं सेंचुरी में फर्स्ट नवाब थे वजीर अवध के, उनका नाम है नवाब सादत अली खान। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं नवाब सादत खान में, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इनका नाम है अली एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, यहाँ पर आपने याद रखना है नवाब सादत अली खान हैं जो फर्स्ट नवाब बने थे, वजीर बने थे अवध के 18वीं सेंचुरी में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, वायरस डिस्कवर्ड बाय, वायरस किसने डिस्कवर किया था? आपके ऑप्शन है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, बी ऑप्शन है दिमित्री वैनोवस्की, सी ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, लास्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। जल्दी से अटैम्प्ट करो, आपका समय स्टार्ट है अब। वायरस को डिस्कवर किया था दिमित्री वैनोवस्की ने, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, दिमित्री वैनोवस्की ने डिस्कवर किया था वायरस को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक क्वेश्चन आप डिस्कवरी से और इन्वेंशन से एक क्वेश्चन कम से कम आप जरूर देखोगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो इंक्लूड करूँगा इस वीडियो में, जो इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई हैं काफ़ी सारी इंक्लूड करूँगा, जो बच गई नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आपने याद रखना है वायरस को तो मैंने बता ही दिया आपको, दिमित्री इवैनोवस्की ने, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दिमित्री इवैनोवस्की ने डिस्कवर किया था वायरस को। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को और प्रोटोजोआ को, यानी कि दोनों को डिस्कवर किया था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद नेक्स्ट आ गई थी कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज को डिस्कवर किया था विक्टर हेस ने, विक्टर हेस ने डिस्कवर किया था कॉस्मिक रेज को। नेक्स्ट आती है एनोड रेज, एनोड रेज को डिस्कवर किया था युगन गोल्डस्टीन को, स्टीन ने, युगन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था एनोड रेज को। नेक्स्ट आ जाती हैं एक्सरेज, एक्सरेज को डिस्कवर किया था विलहेल्म रोंटेजन को, इसका क्रेडिट जाता है विलहेल्म रोंटेजन ने डिस्कवर किया था एक्सरेज को। नेक्स्ट आ जाता है सेल, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है लिविंग सेल, एक तो है क्वेश्चन सेल का, अगर पूछा जाए सेल किसने डिस्कवर किया था, उसका तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक, अगर पूछा जाए लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, उसका आंसर होगा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है इन दोनों में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट आता है आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर को बोलते हैं इन, ये तो छोटे में बोलते हैं आर एच फैक्टर, तो अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँ इसकी, फुल फॉर्म है रेयस फैक्टर, रेयस फैक्टर, इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन्स, विटामिन्स को डिस्कवर किया था एफ जी होपकिन ने, एफ जी होपकिन ने डिस्कवर किया था विटामिन्स को। नेक्स्ट आती है फर्स्ट एवर वैक्सीन, फर्स्ट एवर वैक्सीन को डिस्कवर किया था एडवर्ड जिन्नर ने, एडवर्ड जिन्नर ने डिस्कवर किया था फर्स्ट एवर वैक्सीन को। नेक्स्ट आती है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको वो डिस्कवर किया था एडवर्ड जिन्नर ने, एडवर्ड जिन्नर ने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन आई थी। नेक्स्ट आती है पोलियो वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन है इसको डिस्कवर किया था जोनस एडवर्ड सार्क ने,
जॉनस एडवर्ड सार्क ने डिस्कवर किया था पोलियो की जो वैक्सीन है। नेक्स्ट आती है एंथ्रेक्स वैक्सीन। एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन है इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था जो एंथ्रेक्स की वैक्सीन है। नेक्स्ट आती है पीएच स्केल। पीएच स्केल को डिस्कवर किया था सोरेन पीटर लॉरेट्स सैरेंसन। पीएच स्केल को डिस्कवर किया था सोरेन पीटर लॉरेट्स सैरेंसन। सोरेन पीटर लॉरेट्स सैरेंसन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये पीएच स्केल वाला है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर किया था थॉमस एडिसन ने। इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर किया था थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिक बल्ब को। नेक्स्ट आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न को डिस्कवर किया था फिलो टेलर एंड फ्रांस वर्थ ने। दो पर्सन ने मिलकर किया था, फिलो टेलर एंड फ्रांस वर्थ, दोनों के नाम सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीफोन। टेलीफोन को किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफ़ी बार। टेलीफोन को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने डिस्कवर किया था टेलीफोन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीफोन वाला तो सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया था, ये किया था प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर जॉनेश गटनबर्ग ने। जॉनेश गटनबर्ग ने डिस्कवर किया था जो प्रिंटिंग प्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे जे थॉम्सन ने। जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। ये चारों के चारों बिल्कुल याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चार हैं, ये तीन हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर पेपर आया था, उसमें पूछा गया था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, उसका आंसर था जे जे थॉम्सन। इसलिए आपको याद रखना है, ये तीनों के तीनों सुपर इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एटम। एटम को डिस्कवर किया था जोहन डाल्टन ने। जोहन डाल्टन ने डिस्कवर किया था एटम, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये एटम की डिस्कवरी। एटम की डिस्कवरी जाती है जोहन डाल्टन को, यानी कि इसका क्रेडिट जाता है जोहन डाल्टन को। नेक्स्ट आता है एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट आता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस को डिस्कवर किया था सर विलियम रैमसे ने। सर विलियम रैमसे ने डिस्कवर किया था इनर्ट गैसेस को। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था दिमित्री मेंडलीव ने। दिमित्री मेंडलीव ने डिस्कवर किया था पीरियोडिक टेबल को। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैकरल को, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का जो क्रेडिट जाता है इन्वेंशन का, वो जाता है हेनरी बैकरल को। हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है डायनामाइट। डायनामाइट का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है अल्फ्रेड नोबल को। ये सुपर इंपॉर्टेंट है जो डायनामाइट है। डायनामाइट का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको याद रखना है डायनामाइट की जो डिस्कवरी जाती है वो जाती है अल्फ्रेड नोबल को। नेक्स्ट आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था हैंस लिप्रशे ने। हैंस लिप्रशे ने डिस्कवर किया था टेलीस्कोप, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। हैंस लिप्रशे को क्रेडिट जाता है टेलीस्कोप का। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हैंस लिप्रशे और जारिश जेंसन, ये दोनों को क्रेडिट जाता है माइक्रोस्कोप को। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, उसका आंसर होगा हैंस लिप्रशे और जैक्रियस जेंसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट आती है एलईडी। एलईडी को डिस्कवर किया था दो पर्सन ने, अलेग लोसेव और निक होलोनाइक। निक होलोनाइक और अलेग लोसेव। नेक्स्ट आती है बैटरी, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। बैटरी, बैटरी डिस्कवर की थी एलेसेंड्रो वोल्टा ने। एलेसेंड्रो वोल्टा ने डिस्कवर किया था बैटरी को। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW जो हम लगाते हैं WWW, वो डिस्कवर किया था टिम बर्नर्स ली विद रॉबर्ट कैल्यू। रॉबर्ट कैल्यू के साथ मिलके किया था टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को। वैसे तो आपको ऑप्शन मिलेगा टिम बर्नर्स ली, इसलिए आपको यही मार्क करना है। टिम बर्नर्स ली ने डिस्कवर किया था जो वर्ल्ड वाइड वेब था, ये तो इनकी हेल्प की थी वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, रॉबर्ट कैल्यो का। बट इनका नाम अभी तक क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, यानी कि ऑप्शन में दिया नहीं गया था, इसलिए आपको टिम बर्नर्स ली का ही नाम याद रखना है। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन को डिस्कवर किया था एलन एमर्जे ने। एलन एमर्जे ने डिस्कवर किया था सर्च इंजन को। नेक्स्ट आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को डिस्कवर किया था IBM ने।
IBM ने डिस्कवर किया था स्मार्टफोन को। नेक्स्ट आता है आईफोन। आईफोन को डिस्कवर किया था स्टीव जॉब्स। जैसे आपने देखा होगा आईफोन को, सभी को पता है आईफोन क्या होता है, कौन यूज़ करता है, ये किसी के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करता है वगैरह, सारा कुछ पता होता है। बट हमें ये नहीं पता होता आईफोन को किसने इन्वेंट किया था। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है आईफोन को डिस्कवर किया था स्टीव जॉब्स ने। नेक्स्ट आता है ईमेल्स। ईमेल को डिस्कवर किया था रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने डिस्कवर किया था ईमेल को। नेक्स्ट हम, आपको पता है हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम होता है क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके लिए होता है, मेनली उनके लिए होता है जो इस वीडियो को लाइव नहीं देख सक पाते, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। जो टोक्यो ओलंपिक्स होंगे 2020 में, उसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है सुहरंग, उसके बाद विनियस दे मोरेस, थर्ड ऑप्शन है द हेयर, द पोलर वियर, लास्ट ऑप्शन है मिराइतोवा। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि ऑफिशियल मैस्कॉट कौन सा चुना गया है। मैस्कॉट होता है एक पंछी का नाम, यानी कि हर एक गेम के लिए जो इंटरनेशनल लेवल की गेम्स होती हैं उसके लिए एक मैस्कॉट दिया जाता है, यानी कि एक जानवर या पंछी का नाम दिया जाता है जो वहाँ की संस्कृति को बताता है, जो वहाँ की संस्कृति होती है। जैसे किसी स्टेट का कोई काफ़ी फेमस जानवर होता है, पंछी होता है, उसका नाम को हम संस्कृति विशेषता बताता है जो ऑफिशियल मैस्कॉट होता है। टोक्यो में होंगे, आपको पता है 2020 में, ये तो आपको पता होना चाहिए 2020 में जो ओलंपिक्स होंगे टोक्यो में होंगे 2020 में। इसके लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट रखा गया है वो कौन सा है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। आई होप आप सभी 3-4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, 3-4 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटेम्प्ट करूँगी। सारे के सारे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें 20 क्वेश्चन करवाते करवाते मैं आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ उसके साथ मिलाकर आप काउंट कर लेना, 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके। 100% 50 क्वेश्चन मैं आपको इन 20 क्वेश्चन में करवाता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि मेरा मोटिव होता है हर एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि एटलीस्ट 10K से तो इसके व्यूज़ 2-3 दिन में ही कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि 10K यानी कि 10,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़ 2 दिन में ही कंप्लीट होने चाहिए, इतना इस वीडियो को शेयर करना है। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, बट आप कंटेंट देखिए, कंटेंट की वैल्यू होती है ना कि वीडियो लंबे होने की। कंटेंट में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप 3-4 घंटे अटेम्प्ट करने में लगा दोगे। इतनी अगर आप रीड करोगे ना, 3-4 घंटे लगेंगे आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। बट आपको ये सारी की सारी 3-4 घंटे की इन्फॉर्मेशन मिलती है 40 मिनट में। ये वीडियो 40-45 मिनट की होती है डेली, आपको पता है, इसलिए ही मैं आपको बार बार कहता हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप मुझसे इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक दोनों पर जुड़ सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।